नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने कभी प्याज को छीलते देखा है? जी हाँ, धीरे धीरे प्याज का छीलना। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां इस समय इमरान खान के साथ कुछ वैसा ही व्यवहार कर रही हैं जैसे हौले हौले धीरे धीरे प्याज को छीला जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा इस बात को समझने के लिए कि मैं आपको दरअसल कहाँ लेकर जा रहा हूँ और कहाँ से ये कंपैरिजन आ रहा है प्याज के छिलने का इमरान की राजनीति से। आज हमजा शहर शरीफ, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन की। बहुत खुशनुमा उनकी मुलाकात रही और ये उस साझा पॉलिटिक्स का, उस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है जिसके लिए ये बातचीत हुई थी। तो आपको याद होगा कि इनके 7 MPAs हैं, यानी कि 7 मेंबर्स हैं पंजाब की असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पहले तय हुआ था कि इनके 3 मेंबर्स को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आज की मुलाकात के बाद में ये तय हुआ है कि इन मंत्रियों की संख्या 5 हो जाएगी, जिनमें से एक बड़ा खूबसूरत नाम आया है साजिया आबिद का। साजिया आबिद ने अपने सामने दो अच्छे खासे हैवी वेट्स को हराया है और इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ये आर्थिक रूप से मजबूत उस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान के वडेरे अक्सर होते हैं, तो बल्कि ये अपना प्रचार भी अक्सर पैदल चलकर करती हैं। तो ग्रास रूट पर इन्होंने बहुत काम किया है अपनी पार्टी के लिए और अब वो पीपल्स पार्टी से जीत कर आई हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा आने वाले 4 दिन में, क्योंकि ये पावर शेयरिंग के फॉर्मूलों में कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, लेकिन ये लगभग तय है कि वो मंत्री बनने जा रही हैं, जो कि बेहद खुशी की बात है कि एक ऐसे आदमी का मंत्री बनना जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हो, ग्रास रूट पर काम कर रहा हो, बड़ी खुशनुमा बात है। चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, लेकिन जमीन से जुड़े राजनेताओं का ऊपर आना एक खुशनुमा चिन्ह होता है। तो ये हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटी है गवर्नर के पद की डिमांड से, जो वो पहले डिमांड कर रहे थे। आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने प्रपोज किया था, पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से मखदूम अहमद महमूद का नाम, लेकिन अब वो उसकी वजह से नवाज शरीफ की पार्टी में कुछ दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत ये थी कि इमरान खान की पार्टी से जब लोगों को अलग किया जा रहा था नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए, उस समय कुछ लोगों को पार्टी का टिकट का वादा किया गया था। तो जिस जिन शख्स की जगह पर उनको वो टिकट दिया जा रहा है, एक सदस्य को इमरान की पार्टी को जिनको वादा किया गया है, तो उस सदस्य को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना था। तो अब उनको गवर्नर बनाया जा रहा है पंजाब का, और वो हैं वलीउर रहमान साहब। वलीउर रहमान साहब पंजाब के नए गवर्नर बनने जा रहे हैं। मौजूदा गवर्नर जो इमरान खान के समय पर थे उमर सरफराज चीमा साहब, वो अब 4 दिन के मेहमान हैं। 4 दिन बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनकी जगह पर वलीउर रहमान साहब आ जाएंगे गवर्नर बनकर। उसके साथ ही पंजाब में कैबिनेट पूरी हो जाएगी और फिर सिलसिला होता है शुरू केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां अभी इमरान की सरकार है। वहां भी इस समय बातचीत चल रही है और महीने के आखिर तक, यानी कि उस समय तक जब तक इमरान खान अपना मार्च, लॉन्ग मार्च लेकर और इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर निश्चित रूप से उनको केपीके से काफी सपोर्ट आने की उम्मीद है, वहां सरकार गिर चुकी होगी। यानी केपीके से आने वाली सपोर्ट खत्म, पंजाब में मिलने वाली सपोर्ट खत्म, तो आप वहां के क्या लेकर जाएंगे? इसका एक निशान और आपको दूं कि जिस तरह से इमरान खान की सपोर्ट अब कम होनी शुरू हो गई है, कल उनका मियांवाली में एक जलसा था। कहा जा सकता है कि जलसा बहुत अच्छा था, कुछ फोटोग्राफ्स बड़े अच्छे थे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मौजूद एक मेरे बड़े भाई की तरह से हैं मुर्ज़ा सोलंकी साहब, बहुत सीनियर पत्रकार हैं वहाँ के। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है आज, जो कि मुझे लगता है उस वीडियो को देखकर शायद वो ड्रोन से लिया गया है। तो नजर आता है कि जो तमाम पब्लिक है वो जस्ट मंच के आगे आगे कुछ सीमा तक बैठी हुई है और बाकी सारे का सारा ग्राउंड पीछे से खाली है। आपको याद होगा इमरान खान ने इस बीच में कुछ इस तरह का नियम बना लिया है कि उनके जलसों को कवर करने के लिए स्टेट टेलीविजन नहीं आ रहा है, तो वो अपनी ही पसंद के लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं कवरेज के लिए, तो ताकि वो अपने ढंग से चीज़ें दिखा पाए जैसे वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो केपीके
से आने वाली सपोर्ट इस महीने के आखिर में सरकार और जिंदगी वजह से खत्म हो जाएगी। पंजाब में भी चूंकि सरकार नई आ चुकी है और मंत्रिमंडल सारा कंप्लीट हो रहा है इस हफ्ते, वहां से मिलने वाली सपोर्ट खत्म। केंद्र में गृह मंत्री कौन बना बैठा है? राणा सनाउल्लाह, खुदा खैर करे। तो वहां से आप जानते होंगे इमरान की सरकार ने उनके ऊपर 15 किलो हेरोइन का उनकी गाड़ी में निकालने का आरोप लगाया था, जिसका अभी तक कुछ निकला है नहीं। वो आरोप झूठा था, झूठा ही है। तो जब वो आदमी वहां बैठा होगा तो आपको किस नजर से देखेगा, ये तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में। खैर, मगर ये सब हो गया, लेकिन इसके साथ एक नई घटना और हुई है कि जो मंत्री बनने हैं वो 3 तय हुए थे, वो 5 हो गए हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में। इसके अलावा उनके जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं एक स्टेट के अंदर, वहाँ पर उनके कुछ चेयरमैन लगने की बात हुई है पीपल्स पार्टी के, और कुछ एडवाइजर्स लगने की बात हुई है। तो ये आप पाएंगे कि कुल मिलाकर पावर शेयरिंग में पीपल्स पार्टी का हिस्सा अच्छा खासा हो गया है, जो कि उनके लिए बड़ा खुशनुमा है। मतलब उनकी लगभग पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में पहचान खत्म हो रही थी, वो एक सिंध के अंदर सीमित होकर रह गए थे, लिमिटेड होकर रह गए थे। लेकिन अब कम से कम पंजाब में उनकी कुछ जगह बन जाएगी इससे, और वो एक पार्टी के रूप में काम करके वहाँ कुछ अपने लिए दोबारा से जगह बना पाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आपको फैज हमीद याद होंगे, ISI के जो पहले चीफ हुआ करते थे, आजकल वो पेशावर में कोर कमांडर बन गए थे। तो और अब ये भी आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब को अचानक एक फोन आया था और वो भागे भागे इमरान खान के पास चले गए थे, हालांकि उनका चीफ मिनिस्टर बनना तय था नवाज शरीफ की तरफ से। तो ये उस सारे खेल में सामने बात ये आई है कि जब फैज हमीद साहब ISI के चीफ थे, उस समय पर एक संस्था है वापडा, वापडा उनके यहाँ जो पानी के रिसोर्सेज होते हैं उनके मैनेजमेंट का काम देखती है वो, उनका जनाब का नाम था रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन। तो मुजम्मिल हुसैन साहब वो मैसेंजर थे जिन्होंने न सिर्फ 2018 में इमरान खान के इलेक्शन में मैनेजमेंट के लिए कि किसको फोन करना है, कौन कहाँ जाएगा, कौन सी पार्टी में किसको जाना है, वो सारा काम देख रहे थे, बल्कि इस समय पर परवेज इलाही को भी फोन उन्होंने ही किया था कि भाई आप इमरान खान के पास जाएं बनीवाला। और फिर वो जो सब कुछ हुआ, कि चीफ मिनिस्टर के लिए बुज़दार से इस्तीफा लिया गया, वो सब तमाशा जो हुआ वो इन सज्जन का फोन आने के बाद हुआ था। ये अब क्लियर हो चुका है, नतीजा आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका इस्तीफा आ गया है। तो आप पाएंगे कि वो सपोर्ट सिस्टम जो लेफ्टिनेंट जनरल जो 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 लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने क्रिएट किया था इमरान खान के लिए, अब उस पर वार होने शुरू हो गए हैं और वो टूट रहा है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं, चाहे वो KPK से हों, पंजाब से हों, और अब यहाँ से आप पाएंगे ये सपोर्ट सिस्टम टूटेगा, सपोर्ट टूटेगी और इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचे हैं। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती क्या है कि ये कि भैया एक चीनी कहावत है, किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, किसी के लिए कब्र खोदते हो तो दो खोदो, क्योंकि जरूरत आपको भी वहीं जाने की पड़ेगी। शुक्रिया।